देखते हैं कि यहाँ पर DMCH में कैसा क्या है तैयारी, उसी होके क्रॉस करेंगे, फिर बाद में आने वक्त में हम चले जाएंगे। और पूरा इनफैक्ट जितना भी हॉस्टल है ना अंदर में, सारा कुछ को डेकोरेट कर ही दिया है, तो ये थोड़ा रात हो जाएगा तभी देखने में मजा आएगा, अभी रात नहीं हुआ है ना, दिन में क्या जाएंगे देखने। इसलिए तो एक भाई अनुज भैया रहते थे तो स्पेशल प्रसाद मिलता था हमको अंदर में, डॉक्टर लोगों को जो मिलता था वही वाला। और यहाँ पे भी मनी रहेगा, अंदर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते भाई। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेल, आई एम मैंगनी और वाचिंग माई न्यू ब्लॉग। तो अभी क्या हुआ ना, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो कल रात से ही हमको थोड़ा सा फीवर टाइप से लग रहा था, मतलब पूरा उतना भी नहीं लगा फीवर, बट लेकिन पूरा बॉडी पेन कर रहा था। तो उसके बाद फिर रात में मस्त मालिश वालिश करवाने के बाद फिर हम सो गए थे, फिर सिर में भी बहुत ज़्यादा तेल लगाए हुए थे, तो अब भी हम वॉश किए हैं इसको और फेस वॉश भी किए हैं, तो फिर थोड़ा सा ही लग रहा है, वरना थोड़ा सा ज़्यादा डल लग रहा था और तबीयत खराब ही लग रहा था, ठीक है। तो उस कारण से ही अभी ये सब करने के बाद रेडी हो चुके हैं हम अभी शाम में निकलने के लिए, तो अभी निकलते हैं फटाफट और अभी देखते हैं कि यहाँ पे DMCH में कैसा क्या है तैयारी, उसी होके क्रॉस करेंगे, फिर बाद में आने वक्त में हम चले जाएंगे मूर्ति देखने के लिए, ऐसा कुछ सभी सीन है। तो चलते हैं फटाफट और बनाते हैं वीडियो, लेट्स गो। हाँ तो अभी का मौसम तो ना कुछ खास ठंडा नहीं है, बट लेकिन ठंडा लग रहा है हमको, बट अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो भी, लेकिन ऊपर सुबह से बारिश भी हुआ है थोड़ा, सुबह मतलब मे भी लास्ट नाइट, तो उस कारण से थोड़ा कीचड़ वगैरह कहीं कहीं पे लगा हुआ था, बट लेकिन आज भी हम जूता पहन के निकले हैं, हद है मेरा भी। और इधर है DMCH वाला सीन, तो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह पूरा एकदम फुल है, और पूरा इनफैक्ट जितना भी हॉस्टल है ना अंदर में, सारा कुछ को डेकोरेट कर ही दिया है, तो इधर से ही अभी निकल के चलते हैं आगे। उसके बाद फिर उधर से लौटते समय फिर वापस से मूर्ति अंदर का देखेंगे, ये थोड़ा रात हो जाएगा तभी देखने में मजा आएगा, अभी रात नहीं हुआ है ना, दिन में क्या जाएंगे देखने। इसलिए लेकिन एक बात है, अभी उतना भीड़ नहीं है, अब रात में ही हम बता पाएंगे कि पिछले बार की तरह भीड़ है कि नहीं। उतना है, भीड़ है, बट लेकिन पहले कितना भीड़ रहता था ना, आप एक्सपेक्ट मतलब बिलीव मत कि नहीं कर सकते, यहाँ पे पूरा ये सब पूरा जाम रहता था, अंदर घुसने का मतलब सीन बंद रहता था। इधर से ही एंट्री पॉइंट है, अब पता नहीं ऑडिटोरियम के अंदर नहीं हुआ होगा, शायद हो भी सकता है कि बारिश का सीन है, हमको उतना अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और डेकोरेशन वही है, पहले तो एक भाई अनुज भैया रहते थे तो स्पेशल प्रसाद मिलता था हमको अंदर में, डॉक्टर लोगों को जो मिलता था वही वाला, बट लेकिन इस साल वो भैया गए वहाँ, मतलब वो तैयारी करने के लिए चले गए, दिल्ली में है अभी वो, तो नहीं मिलेगा इस साल स्पेशल प्रसाद। लास्ट वाले मतलब लास्ट ईयर वाले ब्लॉग में था वो मेरा स्पेशल प्रसाद वाला वीडियो, तो वो देखना आप। इस एरिया में भी बहुत मूर्ति का हब था, अब लास्ट टाइम आया था राज के साथ तो दिखाए थे, यहाँ पे भी यही दो जगह पे मिलता है मेन, वही राज किला के पीछे और फिर यहाँ पे, और अभी का ये देख लो यहाँ पे भी है डेकोरेशन, और यहाँ पे भी मनी रहेगा, अंदर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते भाई। हेलमेट अभी पीछे भी हो रहा था, बट लेकिन अब पता नहीं हमको उतना, अभी पहले जितना नहीं हो रहा है कि नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब सरस्वती पूजा DMCH में तो होता ही था, मेरे कॉलेज में भी होता ही था, अभी भी होता ही हुआ ही होगा इस बार भी, बट लेकिन पहले जितना इतना कुछ नहीं रहा भीड़ भड़क का। हाँ, आज ये शादी वादी है क्या, और गाड़ी से भरा हुआ है पूरा इतना, चलते हैं आगे अभी। और सुमंत जी है इधर ही आगे पेट्रोल पंप पे वेट कर रहा है मेरा,
क्योंकि वो आया था एक बाइक का अभी डिलीवरी लेने गया था आज, वो हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो उसी का डिलीवरी लेने के बाद फिर इधर आया था हेलमेट खरीदने के लिए। तो फिर वो जिसके साथ था वो तो निकल गया उधर अपने लोकेशन पे, बट लेकिन हम उसका फिर बोले कि आते हैं रुको वही लेने, मेरे ही घर पे अभी उसका बाइक लगा हुआ सुमन का। अभी तो उधर से आ गए बट लेकिन आज ठंडा बढ़ चुका है थोड़ा सा, और मतलब कि रुके हुए थे बाइक जहाँ पे वहाँ पे एकदम फिर सीट भींग गया था अति, ये गिर रहा है फॉग थोड़ा थोड़ा गिर रहा है इस कारण से ही सीट ही भींग गया था, हेलमेट पे भी पूरा आ गया था। चलते हैं अभी DMCH के अंदर कॉलेज में, देखते हैं कैसा मूर्ति है, हर साल जाते हैं तो इस साल भी चले ही जाते हैं, और सरस्वती जी का यहाँ पर दर्शन भी हो जाएगा। उधर से आ गए घूम घूम के, अब जाने वक्त में कर लेते हैं दर्शन जाके अंदर, तो चला जाए। चलो भाई हो गया मेरा काम कंप्लीट, वहाँ से भी घूम लिए और इस बार का भी मूर्ति अच्छा बना है वहाँ पे DMCH में। तो इधर आए हुए थे लहरिया सराय की तरफ, इधर काम था हमको, यही काम वाम सब कंप्लीट, अब लेट्स गो होम, चला जाए अब घर पे। मार्केट में उतना अभी भीड़ नहीं लग रहा और है भी नहीं उतना, पता नहीं बारिश के कारण ही इतना किच 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 हो गया होगा, इसलिए बहुत आदमी नहीं निकलते होंगे। अभी हम भी निकल रहे हैं अब घर, एकदम घूम गया और सारा मूर्ति देख के, और अच्छा बनाया गया इस बार भी, हर साल अच्छा ही बनता है और इस साल भी अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और बहुत दिन से क्या हो रहा था कि हम ब्लॉग को एंड ही नहीं कर रहे थे, तो आज से फिर से एंड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।